हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका और आज हम आए हैं दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में। तो पहले सामने से एंट्री होती थी इंडिया गेट के सामने से, बट अब इधर से एंट्री कर दी है दूसरी साइड से। और आजकल इंडिया गेट के पास भी नहीं जाने देते हैं, वहां पर पहले जाने देते थे। और ये सामने इंडिया गेट है और उसके ठीक सामने ही वॉर मेमोरियल की एंट्री है। तो चलिए फिर वॉर मेमोरियल में एंटर करते हैं यहाँ से। और ये पूरा मैप है वॉर मेमोरियल का, बीच में ये वीरता चक्र बना है। तो यहाँ से होती है एंट्री। सबसे पहले यहाँ पर ये गार्डन्स बना रखे हैं, बहुत ही अच्छे फ्लावर्स लगा रखे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। और यहाँ से एंट्री होती और यहाँ पे ये फाउंटेन्स बना रखे हैं छोटे छोटे, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ से हम आगे चलते हैं तो ये पूरा राउंड शेप में है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया क्योंकि आजकल इधर उधर नहीं जाने दे रहे हैं, इसी रास्ते जाने। और ये इसके ठीक सामने इंडिया गेट है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये तो यहाँ से करते हैं मेंटर। और ये राउंड शेप में, और पूरे राउंड शेप में ऐसे ही गार्डन है और छोटे छोटे बहुत सारे फाउंटेन्स लगे हैं जो देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ का गार्डन भी बहुत मेंटेन है, तो इसमें बहुत सारे प्लांट्स भी लगे हैं। और ये यहाँ पर टीवी लगी है, इसमें आप आर्मी को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। और ये ठीक सामने सेंटर में स्तंभ बना है, इसके ऊपर अशोक की लाट लगी है। और ये सामने कितना सुंदर फाउंटेन है गार्डन के बीच में। और यहाँ पे लोग बैठे हैं और ऐसे मतलब देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे फाउंटेन हैं इसमें। और ये आर्मी पर्सन यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, तो ये लोग भी अपनी ड्यूटी करके आ रहे हैं। और ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं शहीदों के नाम, तो यहाँ पर पूरा ऐसे करके सारे शहीदों के नाम लिखे हैं जो भी जिस वॉर में शहीद हुआ था। तो पहले जो भी वॉर है उसके बारे में लिखा है, उससे रिलेटेड फिर सारे शहीदों के नाम हैं। तो हर ये आज तक जितने भी वॉर्स हुए हैं उसमें जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। तो यहाँ पर उन सब के नाम हैं और उनके बारे में भी लिखा है कि कौन किस युद्ध में शहीद हुआ था। ये वॉर मेमोरियल उन शहीदों की याद में बनाया गया है और ये भारत का पहला वॉर मेमोरियल है। और यहाँ पर आके सच में बहुत प्राउड फील होता है और हमें पता चलता है कि हमारी आर्मी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने लोग शहीद हुए, तो आज हम ऐसे फ्रीडम में रह रहे हैं। और यहाँ पर आकर एक प्राउडफुल फीलिंग आती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और अपने आर्मी पे, अपने डिफेंस पर्सन पे बहुत प्राउड होता है जब हम ऐसी जगह आते हैं और अपने देश से रिलेटेड कोई भी चीज़ देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही फीलिंग आ रही है। और बाकी तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि देश से आगे तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर इतने नाम लिखे हैं स्वर्ण अक्षरों में कि ये मतलब आप देखोगे तो आपको लगेगा इतने लोग शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, और हमको पता भी नहीं होता है कि मतलब क्या हो रहा है कि बॉर्डर पे। तो यहाँ पर आके लगता है हाँ देखो डिफेंस कितना काम कर रही है हमारे लिए, हमारी आर्मी कितना काम कर रही है। और यहाँ पर आके एक अलग ही वाइब्स आती हैं देश के लिए। और ये है हमारा वीरता चक्र, कुछ ऐसा दिखाई देता है ये। और इसके ठीक सामने है इंडिया गेट, और जो इंडिया गेट पे अमर ज्योति जलती थी वो भी अब इसी में मर्ज कर दी गई है। तो ये सेंटर में जलती है अमर ज्योति और यहाँ पर है एक डिफेंस पर्सन। और ये यहाँ पर 24/7 बेसिस पे हमेशा ड्यूटी पे रहते हैं और ये बिना हिले ऐसे ही अमर ज्योति को देखते रहते हैं और यहाँ पर खड़े रहते हैं। तो यहाँ से करते हैं हम एंटर वीरता चक्र की ओर, और ये घड़ी की सुई की दिशा में होता है, तो यहाँ से करते हैं एंटर।
और ये यहाँ बनी है वॉल आर्ट और इनमें सारे वॉर के बारे में बताया गया है। यहाँ पे इसके नीचे लिखा है इस वॉर के बारे में कि कौन से वॉर में कब हुआ था, कैसे हुआ था, किनके बीच हुआ था। जैसे इसमें लिखा है लोंगेवाला की लड़ाई, जो आपने बॉर्डर मूवी में भी देखा होगा, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ऐसे ही आगे बहुत सारी ऐसी वॉल पेंटिंग बनी है जिसमें हर वॉर के बारे में बता रखा है। तो चलिए फिर चलते हैं आगे। और ये है अशोक स्तंभ के नीचे तीनों सेनाओं के सिंबल्स एंड सीडीएस का सिंबल। तो ये काफी प्राउडफुल लग रहा है। और ये यहाँ पर ड्यूटी चेंज होते हुए, तो अभी जो पहले खड़े थे वो चले जाएंगे और नए वाले यहाँ पर आके खड़े होते हैं। तो ऐसे ये लोग ड्यूटी चेंज करते हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग। तो बस फिर स्टार्ट करते हैं ये पेंटिंग्स देखना। और ये हम आ गए हैं सेंटर में वीरता चक्र के। अब वापस हम ऊपर की तरफ जाते हैं वहाँ पर। और ये हमारा पूरा सर्कल पूरा हो गया। और ये हम जहाँ से एग्जिट करते हैं तो वहाँ पर शॉप्स वगैरह हैं, तो आपको कुछ भी आर्मी से रिलेटेड ख़रीदना हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।